आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आए हैं। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी इतनी लगती है, अगर इसे आप रोज़ बना करके खाओगे तो भी आपका मन नहीं भरने वाला है। इसे बड़े और बच्चे सब खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी भर करके पोहा। तो आपके घर में जो भी पोहा आप यूज़ करती हैं उसको ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, इसमें अपने पोहा को डाल देना है और इससे हमें धो लेना है 3 से 4 बार। तो देखिए हमने यहाँ पे धो लिया है पानी से, अच्छी तरीके से ये फ्रेश हो गया है। तो अब हम लेंगे ब्रेड, यहाँ पे हमने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड का। तो इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है सभी को। अब हम इसको डाल देंगे एक मिक्सी की जार में, इसे हमें डाल करके बारीक बना लेना है पाउडर। इसमें डाल देंगे सभी ब्रेड को और हमें इसको पीस लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी को पीस लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे बड़ा सा कोई बर्तन, तो इसमें हमने डाला है 3 आलू को, ये हमारा उबला हुआ आलू है। इसे हमें कद्दूकस कर लेना है सभी आलूओं को। कद्दूकस करने से ये फ़ायदा होता है जिसमें गुठलियाँ छोटी छोटी रह जाती है वो नहीं रहती है, तो इसीलिए हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पे अपने ब्रेड को जो हमने मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड किया हुआ था उसे डाल देंगे। अब हमने जो पोहा को धो करके रखा हुआ था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए इसको धो करके रखा हुआ था, तो ये कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हमें सबको एक में डाल देना है। इसमें हमें डालना है हरी कटी हुई मिर्च, 3 से 4 हमने मिर्च को काट करके ले लिया है। यहाँ पे हमने 1 अदरक को बारीक काट करके लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 प्याज को काट करके रखा हुआ था उसे भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, आपको तीखा जितना पसंद हो आप डालिएगा। यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो देखिए हमने सभी को डाल दिया है और इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम आटे को गूंथते हैं उसी तरह इसे भी हम सबको गूंथ लेंगे पूरे, जिस तरह हम आटे को डो बनाते हैं ना उसी तरह इसका भी हमें सभी को मिक्स करते हुए एक डो तैयार कर लेना है। मसलते हुए जो हमारे मसाले प्याज है वो अच्छे से सब इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो जैसा बना लिया है, ये रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे कटलेट का शेप बनाएंगे। आप जिस तरह का शेप अगर आपको पसंद हो आप उस तरह से बनाइएगा। तो इसी तरह का शेप में ये अच्छी लगती है, बहुत ही कुरकुरी बनती है। तो अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बड़े और बच्चे इसे सब खाना पसंद करते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल नई रेसिपी है ये। तो यह इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सबको रेडी करके रख लिया है, ये देखिए कितनी अच्छी सब बन गई है। तो अब यहाँ पे हमें फ्राई करना है, तो इसके लिए हमने ले लिया है तेल। हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना, गर्म करना है अपने तेल को, मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सभी को डाल दिया है। आप तेल में सावधानी पूर्वक डालिएगा, हाथ जले ना। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी को डाल दिया है। इसे हमें 2 मिनट के लिए सीखने के बाद इसको उलट पलट करके सभी को सेक लेना है। जब इसका कलर सुनहरा कलर हो जाए तब हम इसको निकालेंगे। तब तक हम इसको लो फ्लेम पे मीडियम या लो करके इसको सेकेंगे, जो हमारा कटलेट है वो जले ना। तो ये देखिए अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये बहुत अच्छी और बहुत कुरकुरी सिकी है, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है इसका। इसको जलने ना, इस तरह से आप सेक लीजिए मीडियम फ्लेम पे।
तो ये देखिए हमने सभी को निकाल लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने सभी को निकाल लिया है। देखिए ये कितनी टेस्टी और कितनी कुरकुरी दिख रही है। ये देखिए कितनी अच्छी है ये बन करके आई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है देखने के लिए। थैंक यू।